एवरीवन, हमारा चल रहा है बूस्टर 3। आज बूस्टर 3 में हम करेंगे ग्लिफ आइकन। ग्लिफ आइकन आप कैसे ऐड कर सकते हैं? ग्लिफ आइकन होता क्या है? यहाँ पर देखिए, ये सारे के सारे आइकन जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं बूस्टर 3 में, टोटल हमारे पास है 250 ग्लिफ आइकन। इसको आपने सर्च कैसे करना है, जहाँ से गूगल पे आके आपने सर्च करना है बूस्टर 3 ग्लिफ आइकन लिस्ट। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर कंपोनेंट लिखा हुआ है, और ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपने चले जाना है। और यहाँ पर आप पहुंचे जाएंगे, ये सारे के सारे आपको आइकन मिल जाएंगे। ये आइकन लगाने कैसे हैं, आपने आना है कोडिंग में, स्पैन टैग लिखना है, उसके बाद इसको क्लास दे दो। यहाँ से हम लिखेंगे ग्लिफ आइकन, फिर से ग्लिफ आइकन लिखो इधर, ग्लिफ आइकन, फिर से ग्लिफ आइकन, उसके बाद अंडरस्कोर हैश, उसके बाद हम इसका नाम लिख देंगे। इसको करेंगे रिफ्रेश, ये लग गई हमारी सर्च। नाम कैसे लेने हैं, यहाँ पर देखिए सारे के सारे नाम लिखे हुए हैं। यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है नाम, जे वाला है, एक जे वाला मान लो, हमने जे वाला ही लगाना है। तो इसका नाम क्या है, देखो चेवरॉन अप, इसको हम लगा देंगे ऐसे। रिफ्रेश करो, ये लग गया आइकन। जो जो भी आइकन लगाना है, बस उसका आपने नाम देख लेना है। यहाँ पर रिसाई वर्टिकल ऐसे कुछ है। तो अभी देखिए हम बटन के साथ इसको कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास मान लो एक बटन है, उसके बाद इसको हम एक क्लास देते हैं बीटीएन रेंजर। ये मैंने एक क्लास दे दी इसको, और यहाँ पर जो बटन है लास्ट इसका टैग, उसके अंदर आपने लिखना है स्कैन टैग, और इसको क्लास दे देंगे जो भी आइकन आपने लगाना हो। ग्लिफ आइकन, फिर से ग्लिफ आइकन लिखो, मैंने मान लो सर्च का ही लगाना है, तो मैंने लिख दिया सर्च। ये देखिए बटन आ गया, उसके साथ आ गया सर्च। अब हम यहाँ पर भी लिख देंगे सर्च, ऐसे काम करेगा आपका ग्लिफ आइकन। ये देखो किसी ने भी इधर आना हो तो यहाँ से उसको देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ सर्च का ऑप्शन है। ये सर्च का हो गया। आप बहुत सारे और आइकन है जो लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन वाला जो आइकन होता है वो भी है यहाँ पर, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं बटन के साथ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पर रिपीट का लगा के देखते हैं बटन के साथ, यहाँ से लिख दो रिपीट। ये देखो ऐसे साथ में आप रिपीट का कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे आपको सारे के सारे आइकन लगा सकते हैं। इसका कलर चेंज करना है तो जाओ स्टाइल टैग में, जो भी आपका ग्लिफ आइकन होगा उसको या तो आईडी दे दो, आईडी देनी बेटर है ताकि आपका जो पर्टिकुलर ग्लिफ आइकन है उसका ही कलर चेंज हो। आईडी आप कोई भी दे सकते हैं, SP1 दे दी, #SP1 लिखो, यहाँ से इसका लिखो कलर। कलर हम कर देते हैं रेड। ये देखो इसका कलर रेड हो गया, ब्लू कर देते हैं ताकि नजर भी आए इसको। ये देखो हमारा जो इसका कलर हो गया चेंज ब्लू। ऐसे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये है हमारे आज के ग्लिफ आइकन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी वेबसाइट बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।